गाइस फाइनली चेकिंग सब हो गया है, अभी वापस रीपैक कर रहे हैं, बाद में मम्मी देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो हो गया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, जरूर आइए, बहुत अच्छे से काम हो जाता है। और राजू अपने बैग के लिए जुगाड़ लगा रहा है तो अभी ब्लॉग का करते हैं एंड। होप करता हूँ आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया होगा, हमने ले लिया है M4, इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगी जो हमने खर्चा किया है। तो अभी EMI भरेंगे 17 महीना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? कि फाइनली हमने ले लिया है सोनी अल्फा A7 Mark IV और हम बहुत खुश हैं, जो आप हमारे चेहरे पे देख सकते हैं। और ये जो वीडियो शूट हो रही है, बाय द वे, ये उसी कैमरे से शूट हो रही है, बिकॉज हमारे पास दूसरा कैमरा नहीं है जिससे हम शूट करें, और मोबाइल का हमने लाया नहीं है सेटअप जिससे हम शूट करें। तो पहली वीडियो हमारी क्वालिटी पे आने वाली है, जिसमें हम बता रहे हैं कि हमने सोनी M4 ले लिया है और हम बहुत खुश हैं। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी स्टोरी हमें अब बतानी है एकदम शॉर्ट फॉर्म में, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं और बता देते हैं कि हुआ क्या था। तो अराउंड 4 महीने पहले ये दास्ता शुरू हुई, जब हम सोच लिए थे हम अपना कैमरा लेंगे, और कैमरा लेने का प्रोसेस हमने तभी से स्टार्ट किया, पैसे जमा करना एंड ऑल, और बहुत मिनटों के बाद करते करते हम पैसे जमा नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे खर्चे इतने ज़्यादा थे। देन आफ्टर दैट, फिर उसके बाद कर रहे एंड देन अप्रैल में हमारा बर्थडे था। बर्थडे के बाद हमने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना होगा। देन हम अपने एक फ्रेंड से मिले, रोहित नाम के, तो वो हमसे बहुत पहले मिल चुके थे, और फिर हमने रोहित से बातचीत की कि मुझे ऐसा ऐसा लेना है कुछ, एंड रोहित लाइक कि हाँ ठीक है, ले मैं पैसा दे दूँगा एंड देन तू मुझे दे देना। तो लाइक ऐसी बातचीत हुई एंड देन मेरा ठीक है। देन हमारे मन में इच्छा जागी कि हम कैमरा ले, लेकिन उससे पहले इच्छा थी ड्रोन लेने का, बिकॉज कैमरा लेना मतलब कैमरा गिम्बल सब कुछ लेना पड़ेगा। देन मैंने प्लान किया ड्रोन लेंगे एंड देन प्रोसेस स्टार्ट किया, बट ड्रोन एक टाइम पे लॉस चल रहा था मेरा कि नहीं यार, बहुत सोचने के बाद मैंने ड्रोन नहीं लिया। एंड आफ्टर दैट मैंने पहला गिम्बल ले लिया अपना, जो अभी रिसेंटली आपने ब्लॉग में देखा होगा, जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। जो आप अगर नए हैं तो ज़रूर जाके वो पुराना ब्लॉग देखिए, जिसमें मैंने RS3 मेरी गिम्बल लिया हुआ है, छोटा सा ब्लॉग है, तो वो हमने ले लिया। आफ्टर दैट हमने प्लान किया था M3 लेने सोनी का, हम मार्केट में भी गए थे, मार्केट में हमें सेकेंड हैंड बॉडी नहीं मिलती, तो मैं सेकेंड हैंड ले रहा था। देन हमें मिला सेकेंड हैंड एक 25 में, वो एक तरह से नया ही कैमरा था, बट डर लग रहा था कि कुछ हो ना हो, बिकॉज जब आप नया कैमरा लेते तो इतना पैसा डाल रहे हो, ऊपर से मिडिल क्लास, तो आपकी तो चारों तरफ से आप समझ रहे हो मेरा वर्ड क्या है। तो लाइक मैं बहुत डरा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कैसे क्या करूँ। देन चल रहा था। देन मैंने प्लान किया कि हाँ ठीक है, एक मिला हमें 125 में किटलेस के साथ दे रहा था, अगर नया लेने जाते हो M3 तो लाइक 140 तक तो चला ही जाता है आराम से, और बैटरी से ये सब लोगों तो 150 जाता ही है, तो उस हिसाब से था, क्योंकि उसका लेंस 12-13 हज़ार का किटलेस मिलता है, और बॉडी अगर लेने जाओगे तो आपको 130 में मिल जाता है। तो देन हमने बोला ठीक है वही ले लेंगे। देन हम पैसे का इंतज़ार कर रहे थे कि पैसा आए, चल रहा है। देन मैंने ऑर्डर ले लिए थे 2-4, एंड अगर वो इतने लो बजट ऑर्डर्स थे, अगर मैं अपना कैमरा अगर मार्केट में लेने जाऊँ तो 1,500 भाड़ा लगता है, प्लस गिम्बल तो उसका 1,000, और लेंस के साथ बॉडी 2,500 की आती है और गिम्बल है, तो यहाँ आप देख सकते हो 3,500 रुपये तो यहीं जा रहे हैं। अगर मैं 4,000-5,000 के ऑर्डर्स ले रहा तो कैसे मैनेज होगा ना। तो उस हिसाब से मैंने सोचा, मैंने भाई शूट से पहले कैमरा लेना ज़रूरी हो गया है। देन मैंने अपनी फैमिली से बात की, फैमिली लाइक रेडी की ठीक है हम करते हैं, एंड फ्रेंड्स फैमिली सबसे बात करना हुआ। तभी इस बीच में हमें मुलाकात तो बहुत पहले उनसे बातचीत हुई, फिर मुझे राजू से बातचीत होना शुरू हुई, जिसने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं एम अगर इतना 1.5 लाख डाल रहा है, मतलब लाइक चला जाता है उतना पैसा डाल रहा है, तो M4 ही ले लें, उसके बाद हाइब्रिड कैमरा है और इसके आगे कोई कैमरा नहीं आएगा, और ये बेस्ट कैमरा है बिल्कुल इतने लो में जा रहा है, जिसको 4-6 साल हो गए लॉन्च हो के। देन मैंने बोला ये बात तो सही है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास M3 है, इसके पास M4 नहीं है, तो बोला ये बात तो सही है, बट हमारे बीच में आ रहा था हमारा बजट कि हम तो नहीं कर पाएंगे अफोर्ड। देन उसमें
बोला कि तू चल मेरे साथ, अपन देखते हैं बजाज फाइनेंस से कुछ करते हैं। मेरा है 60,000 उसका था। फिर एक सागर भाई थे, उन्होंने बोला 80,000 मेरा है, तो टेंशन मत ले, लेने का मन है तो ले ले बिना सोचना नहीं। एंड मैंने बोला ठीक है, पहला आप तो कुछ करते, बस इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो देन हम गए मार्केट में, और हम गए थे मार्केट में सिर्फ देखने बजट निकाल। एंड गए और हम लोग पहली दुकान में घुसे और उन्होंने डी फाइनल कर दी कि इतने में बजट, बस हम इंतज़ार कर रहे थे लोन हो जाएगा। तो उन्होंने बोला हो जाएगा। देन ये सब हुआ, देन फिर मैंने फैमिली से फ़ोन किया, ऐसा हो रहा है। देन उन्होंने बोला ठीक है ना, ले ले कुछ नहीं। तो हमने फाइनली ले लिया फिस्ट। तो आप लोग सब इंतज़ार कर रहे हो इतना लंबा वीडियो देख के कि कब बताएगा कितना रुपये लिया और कितना तेरा डाउन पेमेंट गया और कितना तेरा ईएमआई आ रहा है और कितना महीने के लिए दिया। तो मैं बता देता हूँ कि मेरा जो टोटल कॉस्ट हुआ वो 2,30,000 28,000 हुआ था, बट उसमें और एक्सटर्नल ले रहा, फिर 2,30 चला गया ऐसे वैसे। एंड जो इसका आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन आपका 2,30 के साथ लेंस पे आता है, लेकिन इसमें मैं बताता हूँ कि मैंने 2,30 पे क्या क्या लिया। जब हम मार्केट से जाते हैं तो मुझे 2,30 में मार्केट में कैमरा के साथ बॉडी में मतलब किट लेंस मिला पूरा, वो था मेरा बॉडी के साथ किट, वो था मेरा कुछ अराउंड 2,22,000। उसके बाद मैंने एक मेमोरी कार्ड लिया जो इसके लिए स्पेशली आता है, जो अराउंड 11,000 का आता है, जो 80 GB मैंने लिया 11,000 का। इसका स्पीड होता है 900 MB से रिकॉर्ड एंड ऑल करता है। तो इससे ये कैमरा जो सोनी M4 है ये गर्म नहीं होता है। बहुत लोग कमेंट करते कि कैमरा गर्म होता है, एक्चुअल में इससे भी गर्म होता है बट उतना नहीं होता है, और मुझे पता भी नहीं कि कितना हो रहा है एंड ऑल। ये अपना फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट वीडियो बन रहा है इससे। अब धीरे धीरे काम होगा तो हमें एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो हमने ले लिया एंड देन वो हमें 11,000 का पड़ा। प्लस हमने एक एक्स्ट्रा बैटरी ली, वो हमें कुछ पड़ी 23-24 की वेलबॉर्न की हमने ली। तो अराउंड सब अच्छे से हो गया, 2,30 ठीक है, 2,30 में हो गया। एंड जो EMI है हमारे आने वाली है वो है कुछ 9,000 रुपये 17 महीने के लिए आने वाली है। 2,30 हमारा चला गया। डाउन पेमेंट हमने भरा है 92,000, और 92,000 के पीछे भी एक दो लोगों से पैसे लिए थे जिनका आज मैंने क्लियर कर दिया, बस हो गया मेरा, घर वालों ने पैसा दे दिया राइट क्लियर। तो ऑल अराउंड ये बोले तो ये कैमरा मेरे घर वालों की देन है, मेरे फैमिली मतलब फ्रेंड्स की देन है। एंड उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने समझाया भी कि ऐसा ऐसा कर रहे हो, ये रिस्क मैंने बहुत सोच समझ के लिया है कि सब सपोर्ट कर रहे। बोले 4 महीना तो टेंशन मत लेना, हम देख लेंगे। इवन राजू ने भी जो मेरा लोन किया है उसने भी बोला अगर तेरे से नहीं हो पाएगा तो ये वही मैं भरूंगा, तो टेंशन नहीं लेना, जब भी तेरे से नहीं हो पाएगा जस्ट मुझे 10 दिन पहले बताना, EMI मैं भरूंगा। उसका एक तो ये अच्छा पन है एंड दूसरा उसका एक सिविल स्कोर भी ख़राब नहीं होना चाहिए, ये भी बात है। देन मैं भी नहीं चाहूँगा मेरे वजह से उसका सिविल स्कोर ख़राब हो जाए, इतने सारे से मेंटेन कर रहा है। तो हमने भी बोल दिया कि हाँ हो जाएगा। देन रोहित ने भी बोला कि EMI को टेंशन मत लेना, मैं भी कुछ रहेगा तो अपन कर लेंगे। इमरान मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसने बोला कि EMI का टेंशन नहीं लेना, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं दे दूँगा। देन ऐसे बहुत से फ्रेंड्स फैमिली है जो मेन है मेरे, जैसे प्रतीक सर हो गए, समीर, अंकित, रोहित, राजू, सागर, मेरा भाई साहेब एंड मेरे मम्मी पापा, इतने ही टीम में आजकल चल रहा हूँ मैं, और इतने ही अपने क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब अच्छा चल रहा है, होप करता हूँ ऐसे ही चले, वाला बस साथ दे। तो यही था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको एक्सप्लोर किया लाइक कितने का कैमरा है, EMI कितना हुआ ऑल एंड ऑल, और हमने फाइनली M4 ले लिया था। और एक चीज़, अगर आप लोगों सिनेमेटिक वीडियोस एंड शूट फोटोशूट कोई भी शूट रिलेटेड टू फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाना है तो आप फील फ्री मुझे मैसेज कर सकते, तो आप मेरे को इस आईडीज पे DM कर सकते हो, द साइलेंसर ब्लॉग एंड साहिल फोटोग्राफी 1.4, ये दोनों मेरे आईडीज है। यहाँ पे कहीं भी आप DM कर सकते हैं कि आपको शूट कराना है ना, आपको मैं कोटेशन दे दूँगा। और डोंट वरी, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छे, हाईली प्रोफेशनल लोग हैं हमारे साथ, तो कोई टेंशन नहीं है। और हम बेस है न्यू मुंबई में, तो न्यू मुंबई वर्कर का मोस्ट वेलकम, आप लोग हमें DM एंड मैसेज कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।